हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक काफ़ी मात्रा में गिरावट देखी जा रही है, अपने 300 के हाइक से काफ़ी नीचे ये स्टॉक इस वक्त है। काफ़ी एक महीने पहले ये लगभग 300 के आसपास का स्टॉक था, जो कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है इस स्टॉक में। अगर हम इस स्टॉक के फ्राइडे की बात करते हैं कि इस स्टॉक में फ्राइडे को किस तरह का मार्केट था, उसके हिसाब से इस स्टॉक ने कैसा आपको चाल दिखाई है, और हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों की बात करेंगे, और फ्यूचर में इसका क्या टारगेट हो सकता है उसके बारे में भी, इस स्टॉक के पार्टिकुलर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को इस स्टॉक ओपन हुआ था 188 रुपये, और इसने अपना हाई लगाया था 189 रुपये 15 पैसे, और इसने लो लगाया 183 रुपये 75 पैसे। जिस तरह मार्केट में देखा जा रहा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है, कि सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो एक बार बहुत तेज़ मार्केट ऊपर को जाता है, और फिर 10-11 बजे के आसपास मार्केट फिर से नीचे गिरने लगता हैगा, और फिर 2-2.5-3 बजे के बाद में या तो मार्केट काफ़ी रिकवर करता हैगा या और ज़्यादा गिरावट दिखाता है। और जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी लड़ाई की खबरें बाहर आ रही हैं, इसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के पर्टिकुलर की बात करें तो 220 पे काफ़ी टाइम तक इस स्टॉक को रुका हमने देखा था, पर वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में ये गिरावट दिखा रहा है, और 200 से नीचे गिरने के बाद में इस स्टॉक ने और ज़्यादा गिरावट दिखाना शुरू कर दिया हैगा। एक समय था जब इस स्टॉक में हम 1000 से ऊपर के लेवल देखा करते थे, आज ये स्टॉक वहाँ से काफ़ी मात्रा में नीचे गिरावट दिखा रहा हैगा। अगर हम इस स्टॉक की 52 वीक हाई की बात करें तो 313 रुपये 70 पैसे जो थे 16 जून 2021 का था, और 52 वीक लो की बात करें तो ये 19 अप्रैल 2021 जो कि 154 रुपये का इसका लो हैगा। अगर हम इसकी 18 फरवरी की बात करें क्वेडेंटी ट्रेड की तो 43,29,626, और डिलीवरी क्वेडेंटी जो था 14,42,149, और डिलीवरी क्वेडेंटी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 33% का था, और वैल्यू ऑफ रिक्स ये आपको शो कर रहा हैगा। तो ये इस स्टॉक में अगर हम अभी इस स्टॉक में बाई करने से दूरी रखते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को अभी ना ही बाई करें तो अच्छा हैगा, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी मात्रा में अब गिरावट देखी जा रही है। अब कुछ दिन पहले राकेश झुनझुनवालों ने भी इस स्टॉक को बेचा हैगा, और काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े प्रमोटर इस स्टॉक से बेच कर निकल रहेंगे। पर अगर ये स्टॉक आने वाले समय में चलता है, अपने 200 से ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक में फिर से एक बार तेज़ी देखी जा सकती है। जैसे मार्केट रिकवर करता है और एक बार ऊपर की ओर जाता है, तो इस स्टॉक में भी तेज़ी देखी जा सकती है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप 170 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप रुके रह सकते हैं, पर अगर 170 से नीचे जाता है ये स्टॉक तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए। अगर इसका टारगेट हम फ्यूचर की बात करें तो अगर ये यहाँ से रिकवर करता है 200 से ऊपर, तो पहला टारगेट 220, 235 और 250 के आसपास का ये लेवल दिखाएगा, पर इस लेवल को आने में 2 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता हैगा, क्योंकि मार्केट को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर रिकवर एक साथ भी हुआ तो कम से कम 1 महीने तो लग सकता हैगा इस स्टॉक को 250 के पास जाने में। अगर ये स्टॉक 250 से ऊपर एक बार जाता हैगा तो आपको बहुत अच्छा टारगेट ये बना के दे सकता हैगा। तो इस स्टॉक जिसके पास है वो इसमें बने रह सकते हैं 170 का स्टॉप लॉस लगाकर, और फ्रेश ख़रीदारी के लिए आप 200 से के ऊपर ही ख़रीदें। और कोई भी सूचना इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। जब तक के लिए आपसे हम नमस्कार करते हैं कि, और दूसरी बात